40 मिनट आठ नहीं कभी तीन बार वैशाली से देखो आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन टू ए आप लोगों के पास क्या है फोर एक्स प्लस सिक्स ग्रुप पे पिक्चर है फोर एक्स प्लस सिक्स ठीक है इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे हम लोग फोर एक्स प्लस फोर सिक्स क्या होता है अयान आप छोड़ दो मोबाइल मम्मा से अभी बोल दो मैं क्लास ले रहा हूँ अयान समझ में आया है कंफ्यूजन है यार ग्रुप पे पिक्चर भेजी हुई ग्रुप से देख लो सही है पार्ट बी पे आ जाओ सेवन जेड माइनस टू ठीक है यही है सेवन मल्टीप्लाई बाय जेड कितना होता है माइनस सेवन टू जर ये आपके पास एक्सपेंड होके आंसर आ गया नहीं कंफ्यूजन आपको एक मिनट बताता हूं देखो आपके पास है सेवन जेड माइनस टू सेवन मल्टीप्लाई बाय जेड कितना होता है माइनस सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू क्या होता है माइनस फोर्टीन सेवन मल्टीप्लाई और ठीक है अभी भी कंफ्यूजन है किसी को हो गया सी देख लो सी का आंसर ये था टू ए प्लस एट टू मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है टू ए प्लस टू एट जार सिक्सटीन डी पे आ जाओ टू ब्रैकेट टू पी प्लस थ्री क्यू ये हो गया 4p प्लस 6q गुड जॉब गाइस क्योंकि 2 3 सर 6 f पे आ जाओ 9 60 माइनस 2s ये शेयर उधर ले जाओ अपने तो ये हो गया 9 6 सर क्या होता है 9 6 सर क्या होता है 54t इधर जगह उधर ही जाना होगा रेहान इधर जगह नहीं होगी उधर वो उनका ग्रुप उधर है अच्छा क्वेश्चन थ्री पे आ जाओ इस पे लिखा हुआ है एक्स ब्रैकेट वाई प्लस थ्री यही है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होता है प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या होता है बस मैं एक और पार्ट करा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं सामने ही लिख रहा हूं क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री बी देख लो क्वेश्चन थ्री बी वाई ब्रैकेट वाई माइनस टू यही है वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होता है माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय टू क्या होता है माइनस टू वाई वो छो आप मेरा सोल्यूशन देख लो आप उसका इग्नोर कर लो इसमें कंफ्यूजन देखो फिर से देख लो y ब्रैकेट y माइनस टू y मल्टीप्लाई बाय y क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस y मल्टीप्लाई बाय टू क्या होता है इतना आसान था क्या मुश्किल था इसमें रुमेल समझ क्या नहीं आ रहा आपको इसमें अब देखो आप लोगों का जो मैंने पार्ट सी दिया था एक थ्री प्लस फोर पी तो ये होगा थ्री पी प्लस फोर पी स्क्वायर गुड पार्ट डी ये हो गया सिक्स क्यू स्क्वायर क्वेश्चन फोर ये देखो वाई आप सबका क्वेश्चन फोर गाइस क्वेश्चन फोर सही है
आप सब स्क्रीन पे बातें यार, y मल्टीप्लाई बाय y क्या होते हैं? y मल्टीप्लाई बाय y, y स्क्वायर प्लस 8y, गुड जॉब। b ये है, अच्छा ये 2 माइनस 1, तो z मल्टीप्लाई बाय 2w क्या होते हैं? 2wz माइनस z मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? माइनस z, सही है। क्वेश्चन अब आपके पास एक फैक्टराइज का क्वेश्चन है, वो है 3x² + x, ये क्वेश्चन है आपके पास। आपने इसमें से कॉमन लेना है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन x है, तो आप योग्य 3x + 1, सही है। यह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है आपके पास यार, ये हो गया x + 2 + (x, x+5). देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं आपने, दोनों ब्रैकेट्स आपने अलग अलग सॉल्व करने हैं। ये आपके पास ब्रैकेट हो जाएगा x² + 2x, क्योंकि सही है, और ये ब्रैकेट होगा आपके पास x² + 5x, और ये बीच में प्लस का साइन था, ये डालना मत भूलना। अब x² और x² को दोनों को प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x² 2x + 5x क्या कितना होता है? इतना आसान था, क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? आप इसको साथ लिख दो, x² + x² + 2x + 5x, ये हो गया 2x² + 2x + 5x, कितना होता है? 7x। ये कॉपी कर लो आप लोग। देखो यार, जब भी आप लोगों के पास प्लस होते हैं ना वेरिएबल, जैसे x + x + हो रहा है, तो ये होता है 2x, सही है। और जब भी x + x होता है आपका, क्या होता है? 2x, और x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है? x² ये आप लोग याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर बढ़ती है और एडिशन में नंबर बढ़ता है। अब हमारे पास पार्ट बी था जो मैंने आप लोगों को दिया था, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। z 2z + 1 0 हो जाएगा, x - x 0 हो जाएगा, तो x - 1, 2, 3, 4 हो ही नहीं सकता। आप लोगों के पास फिर ये सवाल है 4z + 5, जेड मल्टीप्लाई बाय 2z होते 2z² + z, 1z या z एक ही बात होती है, प्लस 4z मल्टीप्लाई बाय 4z होते 4z² + 5z, इन दोनों को ऐड करो आप, 2z² + 4z² + z + 5z, तो 2z² + 4z² होते 6z² + z + 5z होते 6z। जी अगर मैं 1z लिखूं या z लिखूं, बात एक ही होती है। साड़ी नहीं भेजो, मैं डिलीट कर रहा हूँ सारी पिक्चर्स, एक एक करके जो जिस पेज की पिक्चर्स है वो भेजा करो। भेजो पिक्चर एक एक करके, एक पिक्चर जो पे समझना उसकी पिक्चर भेजो पहले। क्वेश्चन कौन सा कराओ इसमें? यार देखो इन्होंने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन भेजा, क्वेश्चन नंबर 9 है, करा रहा मैं। तो आप लोग 3x² + x, दोनों में कॉमन क्या है? x, तो ये हो गया 3x + 1। क्वेश्चन जो मीत ने जो अभी कभी में भेजा, अब क्वेश्चन
लिखा हुआ है यार सामने क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है 3x² + x। स्क्रीन पे क्वेश्चन में स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप सारे स्क्रीन से देख लो। 6y² - 12y, ये क्वेश्चन है ठीक है। 6y² - 12y में कॉमन क्या है? 6y कॉमन है, तो ये हो गया y - 2। ये नहीं समझ आया आपको? नहीं समझ आया? आपके पास क्वेश्चन था 6y² - 12y, तो 6y² - 12y में कॉमन क्या है? 6y, तो ये हो गया y - 2। 12y/6y2 होता है इसलिए। एक और सवाल है फैक्टराइजेशन का, 2x + 6y + 8, इन सब में क्या कॉमन है? 2, तो ये हो गया x + 3y + 4, सबके टेबल में 2 आता है। एलसीएम कहाँ निकालना होता है? सिर्फ कॉमन लेना होता है। ये आंसर सिर्फ कॉमन लेना है आप लोगों ने, सिर्फ कॉमन लेने। 2 एक कॉमन है जो कि तीनों टेबल्स में आता है। 2 कर दिया, 2/2 1 होते, तो हम ये x लिख दिया। 6/2 3 होता है, 8/2 4 होता है। जी ये बोलना, ये जो 2x है, 2x इसके लिए 1 भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। हाँ, 1x लिख सकते हो या x भी लिख सकते हो। अब आपके पास अगर एक और सवाल है 2a + 6a + 8, इसमें कॉमन क्या होगा? टू ए कॉमन होगा इसमें, तो ये हो गया 1 + 3। अब हम एंगल्स करते हैं क्योंकि 2a कॉमन लिए तो अंदर 1 बचा। 1 अगर जैसे क्वेश्चन मगर आप कॉमन लेते, जैसे ये सवाल था 2x प्लस, अगर मैं कहता हूँ 3xy, तो मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो मैं इसको 2 + 3y लिख सकता हूँ। बेटा 1 को क्योंकि कॉमन है ना, बचा नहीं ना कुछ अंदर, इसलिए 1 आया। 2a को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 2a वापस आ जाएगा, इसलिए 1 कॉमन, बेसिकली आपने 2a कॉमन ले लिया, 1 आ गया। अब एंगल्स कर रहे हैं, जस्ट इन केस आप लोगों का 2.5 आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। में आपके पास एक क्वेश्चन है 3x + 5 = 26, सही है? 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, उधर क्या होगा? जी 26 - 5 कितना होता है? 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? क्वेश्चंस में सारे स्क्रीन पे लिख रहा हूं आप लोग। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 4x - 3 = 24, सही है? सबसे पहले आप ये एक्सपेंड करोगे, सबसे पहले ये एक्सपेंड करोगे, हो गया 4x - 4 3 जर कितना होता है? 4x - 4 3 = 12 = 24। ये 12 नहीं बेटा, ये = 24 उधर है ना, -12 उधर जाके क्या होगा? ये समझ में नहीं आया, मैं वापस समझा रहा हूँ, आप लोग गौर से ध्यान दो यार।
ये सवाल है आपके पास, सबसे पहले आपने इसे एक्सपैंड करने से एक्सपैंड करो तो क्या आंसर आएगा? 4x-12 माइनस 12 उधर जाके क्या होगा? एट 4x = 24 + 12 ये 4 3s are हमने किया है z 4x = 24 + 12 कितना होता है? 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके क्या होगा? x = 36/4 x = 9 किसी को कोई कंफ्यूजन अभी भी? सबको समझ आ गया? यही सिंपल एक और है मगर वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक और तरीका भी है, मैं इससे बोल ही करा रहा हूँ। 24 क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। किसी और को कोई कंफ्यूजन? सबको समझ आ गया? ठीक है, मैं सोल्यूशन मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने खुद करने है सवाल, खुद करने है सवाल। आप लोगों के पास क्वेश्चन ये है, मैंने रख दिया। आपके पास है 5x - 3, ये साइड बराबर है 37 के, ये है 20 और ये साइड बराबर है 2y + 3 के, सही है। अब ये देखो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? सेम। इसका मतलब 2 ब्रैकेट y + 3 किसके बराबर होगा?